हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। आई वेलकम यू टू द क्रैश फ्री 30 डे क्रैश कोर्स। तो शुरुआत हो गई है और जल्दी से क्लास के अंदर आ जाइए, क्योंकि जब फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें दिखने भी चाहिए उस हिसाब से, अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो फटाफट से क्लास के अंदर आ जाइए, जल्दी जल्दी से सब लोग शेयर कर दीजिए इस लेक्चर को कि लेक्चर स्टार्ट हो गया है। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर मैं बोल नहीं रहा हूं कि लाइक कीजिए तो लाइक नहीं करते। सेशन को आपको हमेशा जैसे ही आते हैं आपको लाइव लाइक करना चाहिए सबसे पहले इस सेशन को। समझ गए? तो सेशन को लाइक करना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग क्लासिकल थिंकर्स कवर करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं जल्दी से, और कुछ नया भी आपको सीखने के लिए मिलेगा आज भी। ठीक है, सोशियोलॉजी इतना डायनेमिक सब्जेक्ट है कि हर समय संभावना बनी रहती है नए सीखने की। तो 30 डेज में हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि आपका पूरा का पूरा कोर्स जो है वो कवर हो जाए। ठीक, अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो एनरोल्ड स्टूडेंट हैं वो और इसमें क्या फर्क है, ये भी समझ लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पेड क्लास की हर चीज आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये केवल ये है कि भाई मैंने आज जो आप लोगों को कराया है, कम से कम उतना आपको घर पे जाकर के अच्छी तरह से जो आपने नोट्स बनाए हैं, जिन किताबों को आप पढ़ते हैं वहां से आप कवर कर लें। अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो 30 दिन के अंदर आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। यही चीज आपको सेम पेपर 1 के लिए भी आपको फॉलो करनी चाहिए। इमाल दरकाइन की इंपॉर्टेंट बुक्स आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो बहुत लेबोरियस पर्सन थे तो उन्होंने सबसे पहली किताब ही अपनी लिखी है लेबर पे। ठीक है, सबसे पहली किताब उनकी डिवीजन ऑफ लेबर है। बहुत ज्यादा श्रम करते थे वो, और श्रम करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो ढूंढ निकाले कि कैसे कैसे हम लेबर कर सकते हैं। तो उनके सोशियोलॉजिकल मेथड्स निकाले। अब ये लेबर करते थे इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वहां पे लोग बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे थे। तो इन्होंने बोला कि यार सुसाइड का भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं क्या? तो इनकी 4th बुक आई प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन। ऐसे करके याद रख लीजिए कि इमाइल दरखाइन बहुत श्रम करने वाले व्यक्ति थे, बहुत लेबर करने वाले व्यक्ति थे, इसलिए उनकी पहली किताब थी डिवीजन ऑफ लेबर। और लेबर करने के भी उन्होंने बहुत सारे मेथड्स निकाले, तो उनकी दूसरी किताब थी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। और उनके आसपास बहुत सारी उसी समय आत्महत्याएं हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि यार इस आत्महत्याओं को भी क्लासिफाई किया जा सकता है क्या प्रिमिटिव तरीके से। तो फिर उन्होंने जो है प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन किताब लिखी। और इसके बाद इन्होंने देखा कि यार रिलीजियस चीजें भी रिस्पॉन्सिबल है सोसाइटी के लिए, तो इन्होंने बोला कि यार चलो अब एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ लिख देते हैं। तो इन्होंने सोचा कि यार क्या पढ़े लिखे लोग भी आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो फिर इन्होंने एजुकेशन और सोशियोलॉजी लिख दी। और फिर इसके बाद इन्होंने सोशियोलॉजी को फिलोसॉफी के साथ जोड़ करके देखना शुरू कर दिया। इस तरह से आप कोई भी स्टेटमेंट बना करके आप याद करेंगे ना, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। ठीक, इसको आप 2-3 बार भी रीड कर लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए, पॉपुलर जो इनके कॉन्सेप्ट हैं वो है सबसे पहला सोशल फैक्ट, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड किताब में इन्होंने अपना दिया है। सेकंड है सोशल सॉलिडेरिटी, थर्ड है सुसाइड, फोर्थ है रिलीजन। सबकी किताबें अच्छी तरह से याद रखनी है। और एक कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने दिया है प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स भी इन्होंने समझाया है, तो व्यावसायिक नैतिकता। ठीक, व्यावसायिक नैतिकता क्या होती है? अब आप लोग सब समझना चाहते हैं कि व्यावसायिक नैतिकता क्या होती है। थोड़ा रुकिए, ढूंढ देखिएगा। सर आपने बोला ऐसा नहीं हो सकता पेड कंटेंट यहीं दे दूं,
या ये सुनकर बहुत बुरा हुआ गरीब के घर। ऐसा नहीं है, देखो शशि, अगर आपको भगवान ने गरीब घर में जन्म दिया है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की क्षमता भी दी है, ये बात समझ लीजिए। अगर आप अपनी गरीबी को आप ये समझ लेते हैं कि अरे मैं गरीब हूं, मैं लाचार हूं, मैं तो अबला नारी हूं, ऐसा नहीं होता है, समझ गए। अगर आप गरीब हैं तो आप में मेहनत करने की क्षमता है, और आप में तो एक अपॉर्चुनिटी दी भगवान ने गरीबों को। मैं भी कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसको कभी ऐसे लाचारी से नहीं देखा। मैंने ये देखा कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे मौका मिला है कि मैं अमीर, गरीब से अमीर बन सकता हूं, समझ गए। तो शशि, ये नेगेटिव सोचना छोड़िए, बल्कि गरीब लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अमीर बन सकते हैं, वो अपनी स्थिति परिवर्तित कर सकते। जो अमीर है अब वो क्या दिखाएगा अपने माँ बाप को कि हमने ये करके दिखाया है। अब अंबानी का बेटा चाहे कितना भी कुछ कर ले, वो अपने बाप से कभी आगे निकल ही नहीं पाएगा, आप समझिए इस बात को। लेकिन आप जो हैं अपने पिताजी से आगे निकल जाएंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, समाज आपको जान सकता है, समझ गए। बहुत बड़ी बात है ये, सामाजिक तथ्य, सामाजिक तथ्य, एकजुटता का सिद्धांत, आत्महत्या का सिद्धांत और धर्म का सिद्धांत इन्होंने दिया है। एकजुटता का सिद्धांत इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर में दिया है, आत्महत्या का सिद्धांत इन्होंने सुसाइड किताब में दिया है, और धर्म का सिद्धांत इन्होंने धार्मिक जीव मतलब एलिमेंट्री लाइफ, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ दिया है। सोशल फैक्ट के बारे में आपको क्या चीजें याद रखनी है? सामाजिक तथ्य। अब इसी तरह से आपको सारी चीजें याद रहनी चाहिए। क्या है सबसे पहली बात? ये थिंग है। कैसा थिंग है? वे ऑफ एक्टिंग है, फीलिंग है, और जो भी चीज आप करते हैं दुनिया में सब कुछ है, वे ऑफ एक्टिंग, फीलिंग, थिंकिंग, ठीक। कार्य करने का तरीका, महसूस करने का तरीका और सोचने का तरीका, सब कुछ है, मतलब ये ठीक, यानी कि ये वस्तु है, समझ गए। देखिए मैं बिना देखे आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, तो आपको भी ऐसे याद रहनी चाहिए। अब ये कहते हैं सोशल फैक्ट दो तरह का होता है, एक होता है मटेरियल यानी कि भौतिक, और दूसरा होता है नॉन मटेरियल यानी कि गैर भौतिक या अभौतिक कर दो। अब ये फर्दर दो दो डिवीजन है, ये एक है नॉर्मल और दूसरा है पैथोलॉजिकल, मतलब एक है सामान्य और दूसरा है व्याधिकीय। ये भी ऐसे ही सामान्य और व्याधिकीय, नॉर्मल और पैथोलॉजिकल, समझ गए। इस तरह से सोशल फैक्ट आपका कंप्लीट। अब सोशल फैक्ट से रिलेटेड दुनिया के चाहे कोई भी सवाल आ जाए, बस ये एक फ्लो चार्ट है जिससे आपका पूरा बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्लियर। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं, मटेरियल सोशल फैक्ट क्या होंगे, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट क्या होंगे, नॉर्मल सोशल फैक्ट क्या होंगे, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट क्या होंगे, सामाजिक और सामान्य सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक तथ्य क्या होंगे और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य क्या होंगे, ये सब आपको क्लियरली बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट आते हैं, इनका थ्योरी था सॉलिडेरिटी। एकजुटता, बच्चों बिल्कुल इसी तरह से आपको नोट्स भी बनाने चाहिए।
सॉलिडरिटी के लिए हमारे को, हमारे पास दो तरह के समाज हैं, दो तरह के, कितने तरह के समाज हैं, दो तरह के, एक है ट्रेडिशनल पारंपरिक और दूसरा है मॉडर्न आधुनिक, यही दो तरह के समाज हैं। इसमें कौन से तरह की सॉलिडेरिटी पाई जाती है, मैकेनिकल यानी यांत्रिक, और इसमें कौन से तरह की सॉलिडेरिटी पाई जाती है, सावयव ऑर्गेनिक सावयवी हो गया, ये एकजुटता है। अब यहां पे कानून किस तरह का पाया जाता है ट्रेडिशनल सोसाइटी में, तो यहां पे रिप्रेसिव सोसाइटी पाई जाएगी, रिप्रेसिव लॉ पाया जाएगा, दमनकारी, दमनकारी कानून पाया जाएगा। यहां पे किस तरह का कानून पाया जाएगा, रेस्टिट्यूटिव, यानी क्षतिपूर्ति। बोलो क्लियर, सॉलिडेरिटी से रिलेटेड सब चीजें इतने से में आ गई। आप बताइए कोई इतने सिंपल तरीके से, इतने अच्छे तरीके से आपको समझा पाएगा। फिर उसके बाद आते हैं सुसाइड, और हिंदी इंग्लिश दोनों में आत्महत्या, लेकिन आप लोगों, आप लोग जो हैं बिना लाइक किए सेशन को चले जाते, ये कितनी बुरी बात है आप सोचिए। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं उसके बाद आप लोग बिना मेहनत किए चले जाएं, सोचिए कितनी, मतलब हद से ज्यादा बेकार बात। एक होती है बॉन्डिंग यानी कि एकजुटता, और दूसरा होता है इंटीग्रेशन, ओ सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, नियंत्रण, कंट्रोल, कंट्रोल यानी रेगुलेशन, यानी कि नियंत्रण। इस वजह से चार तरह की सुसाइड होती हैं। एकजुटता के कारण कौन सी होती है, एक होती है अनॉमी और दूसरा होता है एल्ट्रुइस्टिक। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है एनोमी में, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। नॉर्मलेसनेस होती है सोसाइटी में, थोड़ा देख लीजिएगा इसमें, ठीक है, सोसाइटी को थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा, कौन सी बॉन्डिंग की वजह से हो रही है, कौन सी इंटीग्रेशन की वजह से हो रही है। सब कराया है मैंने, बहुत डिटेल में कराया है, ठीक है। और रिलीजन, रिलीजन धर्म, धर्म हाँ, इगोइस्टिक और ऑल्ट्रिस्टिक होता है, बिल्कुल सही। कहाँ गया ये है, ठीक, इगोइस्टिक और ऑल्ट्रिस्टिक होता है, बिल्कुल सही आ गया, बॉन्डिंग के कारण इगोइस्टिक और ऑल्ट्रिस्टिक होता है। इगोइस्टिक को हम अहमवादी कहते हैं और एल्ट्रिस्टिक को हम परार्थवादी कहते हैं, ठीक। और यहां पर जो आत्महत्या होती है वो होती है एनोमिक यानी नामन अक्षम, और यहां पर जो होती है वो होती है फैटलिस्टिक यानी कि भाग्यवादी, ठीक। इतने तरह की आत्महत्या,
होती है, बॉन्डिंग की वजह से इगोइस्टिक और अल्ट्रिस्टिक होता है, यानी कि हमवादी और परार्थवादी होता है, और रेगुलेशन और कंट्रोल की वजह से एनोमिक और फैटलिस्टिक होता है। अब बताइए कौन इतने अच्छे तरह से समझाएगा। रिलीजन, धर्म, धर्म का प्रिमिटिव फॉर्म ये कहते हैं क्या है, टोटेमिज्म। प्राच्य, प्राच्य तरीका क्या है, टोटमवाद। ठीक, कहां के कौन से ट्राइबल ये अपनाते थे, अरुंटा। अरुंटा क्लियर हो गया। कहां रहते थे ये, ऑस्ट्रेलिया। बोलो किसने बताया था, मार्सेल एम मॉस। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैं याद रख सकता हूं ऐसे, यहां पे मनोज सर का साइन भी कर देते हैं, मैं याद रख सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं, टेल मी। सारी चीजें यहां पर क्लियर कर दी मैंने, एक एक चीज। अब एक चीज रह गया है अभी क्या रह गया है, देखिए भाई, अगर आप JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं, नेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो पेपर वन की भी ऐसे ही तैयारी करो। अब ऐसे तैयारी कैसे होगी, तो हमारे सुपर टीचर्स बैठे हुए हैं, तुलिका मैम और प्रीति मैम। तुलिका मैम 10 बजे और 12 बजे पढ़ाती हैं, जबकि प्रीति मैम 3 बजे और 7 बजे पढ़ाती हैं। प्रोफेशनल एथिक्स न्यू, इमाइल दरखाइन ने प्रोफेशनल एथिक्स दिया है, देख लीजिए। अब मेरे से पेड स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ये बताइए, सर हम लोगों को क्या फायदा है 30 डे कोर्स से। देख लीजिए, ये फायदा है आप लोगों को, समझ गए, आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जा रहा है। ठीक, प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स इमाइल दरखाइन ने एग्जामिन किया है, ऑल्सो एग्जामिन्ड प्रोफेशनल एथिक्स एंड रोल ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस इन मेंटेनिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स विद वेरियस ऑक्यूपेशंस। हर एक अपने ऑक्यूपेशंस के स्टैंडर्ड्स होते हैं, चाहे आप दुनिया में कोई भी ऑक्यूपेशन कर रहे हो। इमाइल दरखाइन कहता है कि हर एक ऑक्यूपेशन के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको इन्होंने क्या कहा है, प्रोफेशनल एथिक्स कहा है, जिसको वो प्रोफेशनल लोग बनाए रखते हैं। जैसे टीचिंग के अपने एथिक्स हैं, है कि नहीं। दुर्खीम ने विभिन्न व्यवसायों में नैतिक मानक बनाए रखने का जो है, इन्होंने कहा कि हर एक पेशे में, हर एक व्यवसाय में एक नैतिक मानक होते हैं, और जो वो पेशेवर होते हैं जो उनके, वो उस नैतिकता को बनाए रखने का काम करते हैं। ठीक, ही आर्ग्यूड दैट प्रोफेशनल एथिक्स वर क्रूशियल फॉर एंश्योरिंग इंडिविजुअल्स इन स्पेशलाइज्ड रोल्स। हर एक व्यवसाय के अपने वैल्यूज और नॉर्म्स होते हैं, वो आपको स्पेशलाइज्ड बनाते हैं। ठीक है, विशिष्ट भूमिकाएं होती हैं हर पेशे में, विशिष्ट मूल्य होते हैं हर पेशे में, विशिष्ट मानदंड होते हैं हर पेशे में, हर पेशे के अपने नॉर्म्स, अपने वैल्यूज होते हैं, उन्हीं को उसी उसमें जब आप दक्षता हासिल कर लेते हैं, उसमें जब आप डिस्पोजिशन हासिल कर लेते हैं, तो वो आप क्या बन जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। कौन कहता है, इमाइल दरखाइम कहता है। क्लियर है यहां पे, किसी को कोई कंफ्यूजन, बोला करो कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, आ गया समझ में, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप, और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो दोनों में से कोई एक ग्रुप तो ज्वाइन कर ही लीजिए। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको अपना नाम और नंबर, आपको अपना नाम और प्लेस, नंबर नहीं प्लेस, जिस जगह पे आप रहते हैं पूरा नाम लिख दीजिए, नेक्स्ट मैसेज में प्लेस लिख दीजिए, और लिख दीजिए आई वॉन्ट टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, मैं ज्वाइन करा दूंगा। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7838517884। चलिए मैक्स वेबर पे आते हैं, मैक्स वेबर की जो इंपॉर्टेंट एथिक्स। अब वेबर जो थे वो बहुत एथिक वाले इंसान थे,
बहुत एथिकल इंसान थे वेबर, ठीक है। ठीक, तो इनकी पहली ही किताब आई प्रोफेशनल प्रोटेस्टेंट एथिक्स। अब देखिए बहुत कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, प्रोफेशनल एथिक्स दिया है इमाइल दर्खाइम ने और प्रोटेस्टेंट एथिक्स दिया है मैक्स वेबर ने, याद रखना। क्या है? प्रोटेस्टेंट एथिक वेबर का है, अब प्रोफेशनल एथिक्स इमाइल दर्खाइम का है। देख लो, ये प्रोफेशनल है, ये दर्खाइम का है, ये व्यावसायिक है, ये दर्खाइम का है, और ये प्रोटेस्ट है, ये वेबर का है। वहां पे कंफ्यूजन नहीं रखना एग्जाम में, ठीक है। और इनकी किताब पहली किताब ही है प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पे, ठीक, प्रोटेस्टेंट एथिक्स स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। जब इन्होंने एथिक्स की बात की तो भाई किसको चाइना और इंडिया याद नहीं आएगा बताइए। यहां पर इन्होंने रिलीजन ऑफ चाइना लिखी पहले, रिलीजन ऑफ चाइना 1915 में। तो जब इनको एथिक्स एथिक्स की बात आई, जब इन्हें नैतिकता की बात आई, तो इन्होंने सोचा कि यार चाइना और इंडिया में देखेंगे नैतिकता, नैतिकता की बात होती है तो चाइना और इंडिया की बात ना हो। ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, वेबर ने कहा, ठीक है। तो एथिक्स की बात की स्टडी करने के लिए चाइना आए, फिर उसके बाद इन्होंने चाइना में देखा तो इन्होंने बोला चाइना वाले बेकार हैं, इंडिया चलते हैं। तो फिर इन्होंने इंडियन इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन साइंस पे ध्यान दिया, इन्होंने बोला गजब भाई, इंडिया का पॉलिटिक्स और इंडिया का साइंस, और फिर उसके बाद इंडिया का रिलीजन, कोई इसका दूसरा उपाय नहीं है। याद रखिएगा वेबर एथिकल इंसान थे, इनकी सबसे पहली किताब थी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, सेकेंड किताब थी द रिलीजन ऑफ चाइना, थर्ड किताब थी द रिलीजन ऑफ इंडिया, फोर्थ किताब थी द पॉलिटिक्स एज वेकेशन, फिफ्थ किताब थी साइंस एज वेकेशन, और सिक्स्थ किताब है द साइंस सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। ऐसे याद रखोगे, कभी भूलोगे नहीं। नहीं, वो पुष्पेंद्र वो इंग्लिश में पब्लिश हुई है 51 में, ठीक है। पहले 1915 में वो पब्लिश हुई थी जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया 51 में, ठीक है पुष्पेंद्र। देखिए फिर उसके बाद इन्होंने बोला यार सिटी की इन्होंने अध्ययन किया तो द सिटी आई, फिर उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी आया, फिर उसके बाद इकोनॉमी एंड सोसाइटी आया, और फिर उसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आया किताब इनको, फिर उसके बाद द रिलीजन ऑफ चाइना। देखिए 1951 में इन्होंने इंग्लिश में किया, 1915 में इन्होंने इनकी पहली पब्लिकेशन आई थी, याद रखिएगा। तो ये सेकंड किताब इनकी रिलीजन ऑफ चाइना ही है, इंडिया के पहले इन्होंने चाइना की स्टडी करी। क्लियर? ऐसे याद रख लीजिए, एक एक बुक जो है वो आपको याद हो जाएगी। चलिए पॉपुलर जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो है आइडियल टाइप, फिर है अथॉरिटी। आइडियल टाइप इन्होंने दिया प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में, अथॉरिटी इन्होंने समझाया पॉलिटिक्स एज वेकेशन में, रूटीमाइजेशन ऑफ करिश्मा इन्होंने दिया पॉलिटिक्स एज वेकेशन में ही, सोशल एक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन्होंने इकोनॉमी एंड सोसाइटी में समझाया, क्लास स्टेटस एंड पार्टी भी इन्होंने इकोनॉमी एंड सोसाइटी में ही समझाया। आदर्श प्रारूप प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में, प्राधिकरण पॉलिटिक्स एज वेकेशन में, रूटीमाइजेशन ऑफ करिश्मा पॉलिटिक्स एज वेकेशन में, नौकरशाही सामाजिक क्रिया सॉरी सामाजिक क्रिया और नौकरशाही इकोनॉमी एंड सोसाइटी में, क्लास स्टेटस एंड पार्टी इकोनॉमी एंड सोसाइटी में, ठीक है। अब इनका प्रोटेस्टेंट एथिक्स क्या था?
प्रोटेस्टेंट एथिक्स यानी प्रोटेस्टेंट्स नैतिकता। प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो था वो क्या था ये समझ लीजिए पहले, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, प्रोटेस्टेंट एथिक्स क्या था? ये कहने लगे कि हम अपना पैसा जो है चर्च को नहीं देंगे, हम अपना पैसा अपने पास रखेंगे, यानी पैसा से पैसा कमाएंगे। ये प्रोटेस्टेंट एथिक्स थे कि हम अब सारा पैसा अपने पास रखेंगे, चर्च को नहीं देंगे। क्यों दें चर्च को? ठीक, मनी फ्रॉम मनी, ठीक। दूसरा इनका नैतिकता था प्राइवेटाइजेशन। यानी कि इम्पर्सनल रिलेशन, प्राइवेटाइजेशन, व्यक्तिकरण, इंडिविजुअलाइजेशन, कलेक्टिविटी में इनको विश्वास नहीं था। ठीक है, व्यक्तिकरण, ये कहने लगे हम नहीं जाएंगे चर्च, हमारा जब मन होगा तब जाएंगे हम चर्च। सामूहिकता के अगेंस्ट था ये। अब इसने बढ़ावा दिया, ये कहते हैं, कैपिटलिज्म को, इसीलिए पूरी दुनिया में आज कैपिटलिज्म फैल गया है। आपको समझ में आ रहा है ये बात मैं क्या कह रहा हूं? पूंजीवाद। अब पूंजीवाद का देखो क्या कहता है, पूंजीवाद कहता है कि मनी से मनी कमाएंगे, पैसे से पैसा। देखिए अब ये दोनों, ये वन और वन मिलता जुलता है कि नहीं मिलता जुलता है? कैपिटलिज्म जो है व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है, कैपिटलिज्म कहता है सरकार को क्यों नियंत्रित करना है चीजों को, इंडिविजुअलाइजेशन को बढ़ावा देता है। ये प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स थे उन्होंने कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया, इसलिए पूरे वर्ल्ड में आज कैपिटलिज्म जो है वो फैल गया। क्लियर? यस। ये कहते हैं रिलीजन इज द सोर्स ऑफ इकोनॉमी। रिलीजन, ठीक, रिलीजन से इकोनॉमी आई। ठीक है, मतलब रिलीजन ने सपोर्ट किया, उससे कैपिटलिज्म आया। क्लियर? अच्छी तरह से। चार तरह की इन्होंने रैशनैलिटी बताई है, वेरी गुड दीपमाला। फोर्थ तरह की ये रैशनैलिटी बताते हैं, तर्क संगतता। ठीक, चार तर्क संगतता। सबसे पहला क्या है? सब्सटेंटिव। सेकंड क्या है? फॉर्मल। थर्ड क्या है? ट्रेडिशनल। और फोर्थ क्या है? थ्योरेटिकल। ठीक, इस तरह से इन्होंने चार तरह की रैशनैलिटी बताई है। सब्सटेंटिव मतलब वस्तु परक, व्यक्ति परक, ठीक। फॉर्मल मतलब औपचारिक, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, और थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक। चार तरह की रैशनैलिटी होती है, तर्कसंगतता होती है, मैक्स वेबर ने समझाया है। क्लियर? चलिए फिर आते हैं इनका आइडियल टाइप। आदर्श प्रारूप, क्लियर? आदर्श प्रारूप, आदर्श प्रारूप क्या है? ये बोलते हैं मेंटल कंस्ट्रक्ट है, मानसिक निर्माण है ये। हर एक सिचुएशन, हर परिस्थिति को हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, हाईएस्ट एग्जैगरेशन।
इसमें हम बहुत बढ़ा चढ़ा करके चीजों को प्रस्तुत कर लेते हैं अपने दिमाग में। समझ गए? मानसिक निर्माण है, बढ़ा चढ़ा करके हम इसको प्रस्तुत कर लेते हैं अपने दिमाग में, उसी को हम क्या कहते हैं, आइडियल टाइप। क्या ये वास्तविक रियलिटी है? ये वास्तविक रियलिटी नहीं होती है, नॉट रियलिटी। बट इट अंडर इट इज अ टूल टू अंडरस्टैंड रियलिटी। ये एक तरह का उपकरण है जिसके द्वारा हम सत्य को, वास्तविकता को समझ सकते हैं। क्लियर? और कैसे समझ सकते हैं? जब हम इसके साथ वर्शन अप्रोच लगाएंगे, वर्शन, वर्शन का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, समझ। क्लियर? ये आइडियल टाइप हो गया। सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया, बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, चुनाव चल रहा है, क्या करें। तो सोशल क्रिया के लिए ये कहते हैं एक्टर और अल्टर दोनों की जरूरत होती है। ये कहते हैं कि गोल होना चाहिए, ये कहते हैं सिचुएशन होनी चाहिए, ठीक। ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं किसी भी एक्शन को एक्शन बनने के लिए। और चार तरह के, फोर टाइप्स ऑफ एक्शंस इन्होंने बताए हैं, फोर टाइप्स ऑफ एक्शन। क्लियर है? रहेगा याद? अब जो चार तरह के एक्शन है उनको चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक। ब्यूरोक्रेसी का भी इन्होंने आइडियल टाइप दिया है, समझ गए? आइडियल टाइप, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होता है ब्यूरोक्रेसी। पद अनुक्रमित संगठन होता है ब्यूरोक्रेसी, ठीक। ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप इन्होंने दिया है। चेन ऑफ कमांड होती है ब्यूरोक्रेसी, ठीक। आदेश, आदेशों की प्रणाली होती है ब्यूरोक्रेसी। इन्होंने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन तीन तरह के बताए हैं, क्लास के अनुसार, कास्ट के अनुसार और पार्टी के अनुसार। क्लास क्या होता है भैया? लाइफ चांस। वर्ग क्या होता है? जीवन अवसर। स्टेटस क्या होता है? लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, परिस्थिति मतलब जीवन शैली। और पार्टी क्या होता है? मतलब पावर। पार्टी मतलब शक्ति, ठीक। इन्होंने फिर अथॉरिटी बताया अपने पॉलिटिक्स ऑफ वेकेशन में। ये कहते हैं तीन तरह की अथॉरिटी होती है। एक होता है वर्ड रेशनल, एक मिनट जरा दरवाजा क्लोज कर दिया जाए। वर्ड रेशनल, ज्वेक रेशनल, ज्वेक रेशनल। वर्ड मतलब मूल्यात्मक,
ज्वेक मतलब लक्ष्यात्मक, ऐसे याद रख लो। और तीसरा क्या होता है? ट्रेडिशनल। यानी पारंपरिक। ठीक, सॉरी, करिश्मेटिक होता है, करिश्मेटिक नहीं, ये एक्शन हो गया यार, वर्ड, ये एक्शन हो गया, सॉरी, ये एक्शन है दोस्त। ठीक है, ये तो एक्शन हो गए। ठीक, ये एक्शन थे। अथॉरिटी जो है वो तीन तरह की होती है, कौन कौन सी होती है? रैशनल लीगल, ठीक, विधि तर्कसंगत, वैधिक और तर्कसंगत। ठीक, और दूसरी कौन सी होती है? ट्रेडिशनल। पारंपरिक। और तीसरी कौन सी होती है? करिश्मेटिक्स। करिश्माई। ठीक है, इस तरह से होता है यार। चलिए, वो मैंने एक्शन पढ़ा और फिर मैं एक्शन ही दिमाग में एक्शन ही चलता रहा। ठीक, फिर क्या होता है? करिश्मेटिक इंसान की जब डेथ होती है तो एक सवाल उठता है कि अब कौन रूल करेगा। तो फिर या तो फिर वो ट्रेडिशनल बन जाता है या तो फिर वो रैशनल लीगल बन जाता है। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रूटीमाइजेशन ऑफ करिश्मा। एक साइकिल चालू हो जाता है, फिर उसी को हम रूटीमाइजेशन ऑफ करिश्मा कहते हैं। बोलिए, क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर? चलिए, तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास एक ऑफर भी मिल जा रहा है। कालमार्क्स सभी बचा हुआ है, देखिए, रुकिए, ऑफर मिल जा रहा है 2806। आज लास्ट डे है, 8 तारीख, आज लास्ट डे है। अगर आप पूरे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इन सारी चीजों को, ठीक है, आपको लगता है कि आपको सारी चीजें जो जो मैंने अभी आपको कराया वो आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप ये एनरोल कर सकते हैं इस क्लास को। 2806 रुपए में आपको एग्जाम तक क्लास मिल जा रही है, फुल क्लास। उसमें आपको बिल्कुल डिटेल में, जो ये मैंने आपको आधे घंटे में समझा दिया ना, इसके आपको कम से कम 1.5 घंटे के 5 वीडियो मिलेंगे, 4 वीडियो मिलेंगे, 4, 2 कार्लमार्क्स, 2 इमाइल दर्खाइम के, 2 मैक्स वेबर के, मतलब 3-3 घंटे में आपको ये होता है, मतलब पूरे डिटेल में एक एक चीजें, कि आपको एक भी क्वेश्चन जो है वो आपका नहीं छूटे, ये हमारा प्रयास रहता है पेड क्लास में। चलिए, आ जाइए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं, सबसे पहली किताब है इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, सेकेंड है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, थर्ड है दास कैपिटल, फोर्थ है जर्मन आइडियोलॉजी, फिफ्थ है सिविल वॉर इन फ्रांस, सिक्स्थ है वेज लेबर एंड कैपिटल मोनोपोली, और सेवेंथ है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। जो इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, एलिनेशन, क्लास स्ट्रगल और रिलीजन, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनकी एक कॉन्सेप्ट है वो है विदरिंग अवे द स्टेट, राज्य का खत्म होना भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। विदरिंग अवे ऑफ स्टेट से कार्ल मार्क्स का क्या मतलब है? ठीक, चलिए, तो इनका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद, एलिनेशन यानी कि अलगाव, वर्ग संघर्ष, और फिर उसके बाद धर्म, सारी चीजें हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं धर्म क्या है इनके अनुसार। धर्म, रिलीजन,
रिलीजन ये कहते हैं कि ओपियम ऑफ मासेस, अफीम की तरह है, अफीम है, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी के आइडियोलॉजीज को प्रमोट करता है। ये है धर्म, ठीक। इनके हिसाब से एजुकेशन भी समझ लीजिए, शिक्षा, शिक्षा भी क्या है, पूंजीवादी विचारधारा। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, ये कहते हैं कि ये जो शिक्षा है ये लोगों को लेबर बनाती है, श्रमिक बना देती है सब लोगों को, ठीक। अब आते हैं जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हो गया, क्लास स्ट्रगल हो गया, ये सब जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है, पहले हेगल का डायलेक्टिकल आइडियलिज्म समझ लीजिए, यानी कि वैचारिक द्वंद, विचारों में ही द्वंद। तो ये हेगल कहता था कि सबसे पहले इंसान को विचार आया होगा और उसके बाद उसने उसको, मतलब उसका एंटी विचार आया होगा, मतलब विरोधी विचार आया होगा, मतलब एक आइडिया आया, फिर उसके बाद एंटी आइडिया आया, दोनों मिक्स हो गए और फिर सिंथेटिक आइडिया आया, यानी कि थीसिस, न्यू सिंथेसिस बन गया। मतलब पहले थीसिस बना, फिर उसके बाद एंटी थीसिस बना, फिर उसके बाद सिंथेसिस बन गया, यानी दुनिया के अंदर सबसे पहली बार विचार आया, ये हेगल का कॉन्सेप्ट। कार्लमार्क्स आते हैं, कार्लमार्क्स कहते हैं कि भैया विचार नहीं आया, हेगल उल्टा खड़े हुए हैं ऐसे सर के बल, वो शीर्षासन कर रहा है, ये उल्टा खड़ा हुआ है हेगल, हेगल उल्टा सोच रहा है, इसको अपसाइड डाउन कर दो, इसको सीधा कर दो। तो कार्ल मार्क्स कहता है सबसे पहले क्या आया, मटेरियल, भौतिक, भौतिक चीजें पहले से ही समाज के अंदर थी। पहले इंसान गुफाओं को देखता है, पहाड़ को देखा उसने, इंसान ने उसके अंदर गुफाएं बनी हुई थी, जब वो गुफाओं को देखा उसने, लोग उसने सोचा कि यार इस गुफाओं के अंदर रहा जा सकता है। अगर वो गुफा, अगर वो पहाड़ को नहीं देखा, पहाड़ के अंदर गुफा बनी हुई है उसको नहीं देखता, तो क्या उसको दिमाग में आती है बात कि इसके अंदर रह सकते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इनका, यानी मटेरियल पहले आया, विचार बाद में आया, आइडिया बाद में आया। अब ये कहते हैं कि मटेरियल जो है, हर एक मटेरियल के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, हर एक भौतिकता, भौतिक जितनी भी दुनिया में चीज है ना, चाहे वो मेरा ये मोबाइल क्यों ना हो, हर मोबाइल, हर लैपटॉप, हर मोबाइल में कुछ ना कुछ विरोधाभास है, यानी हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हम जिस जिसने लाइक नहीं किया ऐसे हाथ उठाओ, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया वो ऐसे हाथ उठा दें, बहुत सारे लोग लाइक नहीं किए। ठीक, तो ये कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन है और इसी वजह से समाज परिवर्तित होता है। ठीक, अब आ जाइए, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे किसमें, क्लास स्ट्रगल में। ठीक, ठीक है।
अब समझिए इनका क्लास स्ट्रगल का सिद्धांत। क्लास स्ट्रगल ये कहते हैं, देखिए यहां पर अपन को ये क्लियर हो गया कि हर एक चीज जो दुनिया में होती है उसमें कॉन्ट्रोडिक्शन होता है, उसमें विरोधाभास होता है, ठीक। अब ये कहते हैं दुनिया में सबसे पहला जो इंसान आया, पहला जो समाज आया वो क्या था? प्रिमिटिव कम्युनिज्म। यानी कि प्राच्य क्या कहते हैं उसको, साम्यवाद। प्राच्य साम्यवाद ये क्या थी? ये कैसी सोसाइटी थी? ये क्लासलेस थी। क्यों? क्योंकि इसमें हंटिंग गैदरिंग करते थे। जो चीज था शिकार करके आप कितने दिन तक रख सकते हैं? आप क्या शिकार से सरप्लस कर सकते हैं? नहीं कर सकते थे। इसी वजह से ये जो सोसाइटी थी वो क्लासलेस थी। नो क्लास, क्लासलेस बल्कि नहीं, नो क्लास, ठीक। लेकिन दिमाग जो है इंसान इवॉल्व हो रहा था, ठीक। इंसान का मानसिक विकास हो रहा था, मानसिक रूप से इंसान का विकास हो रहा था, विकसित हो रहा था इंसान, ठीक। और उसके मानसिक विकास के चक्कर में क्या हुआ, एक इंसान जो ताकतवर लोग थे उन्होंने जो कमजोर लोग थे उनको अपना गुलाम बनाना शुरू किया और इससे एंशियंट सोसाइटी आ गई। यहां पे प्राचीन समाज की उत्पत्ति हो गई। यहां पे दो वर्ग बन गए, इंसानों ने इंसान पर नियंत्रण कर लिया। तो यहां पे मालिक और यहां पे गुलाम, यानी कि दास। तो यहां से दास प्रथा चालू हो गई। मालिक और गुलाम बन गए यहां पर। यहां इंसानों ने ही इंसान को, मास्टर एंड स्लेव, इंसानों ने ही इंसान को के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट जो स्टेज आई वो थी फ्यूडल सोसाइटी। सामंती समाज, सामंती समाज। यहां पर क्या हुए, यहां पे कृषि बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, फार्मिंग। कृषि, फार्मिंग, कृषि बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। तो यहां पे दो बन गए, फ्यूड और सर्फ। दो क्लास बन गए यहां पे। यहां पे भी दो क्लास, यहां पे भी दो क्लास, फ्यूड और सर्फ बन गए यहां। क्लियर? फ्यूड और सर्फ, यानी कि सामंत और कृषक, ये दो समाज जो है, दो वर्ग जो है यहां पर उत्पन्न हुआ। इसके बाद जो समाज आया वो क्या था? वो था कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी समाज, ठीक। पूंजीवादी समाज इसके बाद थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। सबसे पहला प्रिमिटिव था, सेकंड एंशियंट था, थर्ड फ्यूडल था, फोर्थ यहां पर लिख रहा हूं मैं। फोर्थ क्या था? कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट में क्या? कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियल लेबर। क्लियर? यहां पे किसी को भी कंफ्यूजन। और फिर इसके बाद ये कहते हैं कि बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा और कम्युनिज्म स्थापित हो जाएगा।
कम्युनिज्म भी क्लासलेस सोसाइटी होगी। पांचवा जो स्टेज आएगा वो हो जाएगा कम्युनिज्म। ये वर्गहीन समाज होगा फिर से समाज के अंदर। ठीक सर, आपके आवर क्लास देखती हूं पर आज लाइव देख रही हूं, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ओके शिवी, रिकॉर्डेड क्लास देखती हैं वो, आज लाइव देख रही हैं, बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अब इनका जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज का वो है विदरिंग अवे। विदरिंग, राज्य खत्म हो जाएगा। ये कहते हैं कि पहली सोसाइटी कौन सी आई, फोर्थ सोसाइटी कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट के बाद थोड़े समय के लिए सोशलिस्ट सोसाइटी शुरू हो जाएगी, समाजवाद आ जाएगा फॉर स्मॉल टाइम। समाजवाद स्थापित हो जाएगा पूरी दुनिया के अंदर फॉर स्मॉल टाइम। मार्क्स एनविजन दैट इन द लॉन्ग टर्म द स्टेट वुड बिकम अननेसेसरी एंड ग्रेजुअली विदर अवे। और इस यहां पर क्या होगा, हर चीज स्टेट का होगा, ऑल थिंग, जितनी भी दुनिया की चीजें हैं वो सब स्टेट की हो जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा स्टेट का जो पोजीशन है वो खत्म हो जाएगी, कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और फिर उसके बाद कम्युनिस्ट सोसाइटी आ जाएगी। इन अ क्लासलेस सोसाइटी देयर वुड बी नो नीड ऑफ रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस, ये कहते हैं। मार्क्स कल्पना करते हैं कि दीर्घ अवधि में राज्य अनावश्यक हो जाएगा, फिर राज्य रह ही नहीं जाएगा दुनिया के अंदर, और एक साम्यवादी समाज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, सोशलिज्म खत्म हो जाएगा जो थोड़े समय के लिए आया था, ये खत्म हो जाएगा। और फिर एक वर्गहीन समाज की उत्पत्ति हो जाएगी, दमनकारी राज्य का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, आवश्यकता ही नहीं रहेगी उसको। इन्होंने राज्य को के खत्म होने की अवधि माना है, विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट माना है। ठीक है, सामूहिक रूप से स्वयं पर लोग शासन करेंगे। ठीक, पीपल वुड गवर्न देमसेल्व्स कलेक्टिवली, जनता लोग सामूहिक रूप से खुद पर शासन करना सीख जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज की क्लास थी। अच्छा, कमोडिटी फेटिशिज्म भी है, कमोडिटी फेटिशिज्म भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। कमोडिटी क्या होता है, ऐसी वस्तु जो खरीदी और बेची जा सके। ठीक, कमोडिटी फेटिशिज्म विच रिफर्स टू द वे इन विच कमोडिटी गुड्स एंड सर्विसेज इज इम्ब्यूड विद सोशल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। हमारे रिलेशनशिप में भी, हम अपने रिलेशनशिप में भी कमोडिटी की तरह देखेंगे। हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर हर चीज में प्रॉफिट मोटिव इतना ज्यादा हो जाएगा कि हम ये सोचेंगे कि फलाने व्यक्ति से हम मिलने जा रहे हैं तो क्या फायदा है, समझ गए। हमारे सामाजिक संबंध के अंदर भी कमोडिटी आ जाएगी। कमोडिटी ऐसी वस्तु होती है जिसका खरीदना और बेचना जो होता है उसको हम खरीदने और बेचने के ही हिसाब से चीजों को देखते हैं। कमोडिटी, कमोडिटी क्रय विक्रय की वस्तु होती है। अच्छा वर्ड याद आ गया, क्रय विक्रय, क्रय विक्रय की वस्तु होती है। ठीक है, तो ये कहते हैं हम अपनी हर चीज को समाज के अंदर हर वस्तु जो है वो एक कमोडिटी के तरह हो जाएगी। हर चीज में हम प्रॉफिट की देखेंगे। ठीक है, तो उसे इन्होंने क्या कहा है, कमोडिटी फेटिशिज्म, अति वस्तुवाद हो जाएगा। देख 2806 रुपए में आपको कोर्स मिल रहा है स्टूडेंट्स, इससे अच्छा इससे सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि एक महीने में आप कोर्स कंप्लीट कर सकें तो फिर ये सुनहरा मौका आपके सामने है। ठीक, और आज का होमवर्क जो है वो मैं ले करके आया था, एक मिनट रुकिए जरा, होमवर्क देखना है मुझे कहां चला गया। होमवर्क शिफ्ट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो
लाया तो था होमवर्क लिख करके, लेकिन भगवान जाने कहां चला गया। चलिए आप ये बता दीजिएगा, आपका होमवर्क है टाइप्स ऑफ सॉलिडेरिटी। एकजुटता का प्रकार, ठीक, यही आप होमवर्क समझिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। होमवर्क ही हो गया आज, बताओ।